किसानों ने फूंका भारत प्रधानमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला। पुतलों को पहनाई साड़ी और चूड़ियां, आगामी रणनीति की तय। नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन हो गए हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी कड़ी में रोहतक पानीपत के मकड़ोली टोल प्लाजा पर मकर संक्रांति के अवसर पर एक पेचीदा कार्यक्रम देखने को मिला। भाकियों के आवाहन पर किसानों ने बुधवार यानी कि 14 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंक दिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सुबह काफी संख्या में किसान नेता बल्लू प्रधान के नेतृत्व में मकड़ोली टोल प्लाजा पर एकत्रित हो गए थे, जिसके साथ ही महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद थी। आगामी रणनीति के बारे में अनिल नांदल ने बताया कि महिला दिवस के मौके पर यानी कि 18 जनवरी को इसी तरीके से पुतले फूंके जाएंगे। आज ये हमारा प्रोग्राम था, जैसे कल हमने कहा था मोदी जी का और खट्टर जी का दुष्यंत जी का पुतला फूंकेंगे। आज हमने जैसे कल आह्वान किया था उसके उस पर यहाँ सारों की तादाद में सेंट्स भी लेडीज भी इकट्ठे हो गए, तीनों के हमने पुतले फूंक दिए हैं। और चीज़ों इतनी ठंड पड़ने लग रही है, हम फिर भी भगवान से दुआ करते हैं इस सरकार को शुद्ध बुद्धि दे दे और ये कानून वापिस दे दे, ये जमींदार अपने घर अपने बच्चा आगे संभाल लें। जब तक ये काले कानून वापिस नहीं लेंगे तब तक हम अपने घर वापिस नहीं जाएंगे जी। और इसके साथ में एक बात और बोलो जी, हमारे को कुछ इतना मिली है अगर भाई सरकार तुमने 26 तारीख से पहले गिरफ्तार फिर करवा सकती है। हम एक ये आह्वान करता है पूरा किसान संगठन सभी, अगर किसी नेता के साथ सरकार ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसका सरकार जिम्मेवार होगी, ना कि कोई किसान नेता जिम्मेवार होगा। हमारा 18 तारीख को जी महिला दिवस है, अगर 18 तारीख तक सरकार वापस ले लेती है तो ठीक है, 18 तारीख को या महिला इकट्ठी होकर तीनों के फिर पुतले फूंकेंगे महिला दिवस के ऊपर। धन्यवाद जी।